आज का दौर, आज का समय बड़ा ही भयानक है। आज पूरी दुनिया में अशांति है, पूरी दुनिया में लोग दिमागी शांति के लिए, आत्मिक शांति के लिए दौड़े फिरते हैं कि हमें आत्मिक शांति मिले, चैन करार मिले। और हैरानीजनक बात है, जो चीज़ हम सब के अंदर है, आत्मिक शांति, उसको ढूंढने के लिए लोग अलग अलग जगहों पे जाते हैं, पहाड़ों में, उजाड़ों में, बियाबान, जंगलों में, चेंजेस करते हैं वातावरण। लेकिन जब तक दिमाग के विचार चेंज नहीं होते, अंदर की सोच पॉजिटिव नहीं होती, तब तक कहीं भी जाओ आत्मिक शांति अंदर होते हुए भी नहीं मिलती। आत्मिक शांति को हासिल करने के लिए हमें बेहद जरूरी है अपने विचारों का शुद्धिकरण करना। और जब विचार शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, तो जो डीएनए है, वो जो सेल्स हैं, वो और मजबूत होंगे। तो उनके नीचे जो चीजें भी डीएनए की पनपती हैं, अब ढाल मजबूत है तो बॉडी पे असर नहीं होता। उसी तरह डीएनए की जो लेयर है, जो सेल कह लीजिए, तो वो जितनी पावरफुल होगी तो डीएनए उतना ही अच्छा होगा। उसकी मजबूती जरूरी है। आम तौर पे देखा हमने, हमारे आर्मी मैन, कमांडो, उनके एक जैकेट पहनी होती है बुलेट प्रूफ, अगर वो मजबूत है तो नेचुरली बॉडी सेफ है। उसी तरह डीएनए के ऊपर जो सेल की लेयर है कह लीजिए, अगर वो मजबूत है तो नेचुरली अंदर सब कुछ सेफ रहेगा। उसकी मजबूती भी जरूरी है, और उसकी मजबूती डीएनए को अगर स्वस्थ रखती है तो डीएनए फिर हमारी फुल बॉडी में है। कोई नर्व के रूप में बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, ये भी आज तक साइंस को समझ नहीं आई कि सेम ऐसे कैसे हो गया। सेम चीजें हैं लेकिन ये अलग अलग रूप कैसे धारण कर गई। तो ये गुरुमंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन, ध्यान में जब जाया जाता है, अगर आपकी रुचि इन्हीं चीजों में है तो यकीन मानो आप इसी को लेकर ध्यान में बैठ जाओ, तो जरूर आपके अंदर नए नए स्रोत खुलेंगे जिससे आप इसमें तरक्की करेंगे और समाज का भला कर सकते हैं। क्योंकि पॉजिटिविटी आज पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी जरूरत है। नेगेटिविटी चारों तरफ है, आदमी के दिमाग में, सोच में जब नेगेटिविटी चलती है तो वो किसी को पॉजिटिव नहीं कर सकता। कहते हैं ना, जैसा खुद का तराजू होता है, सामने वालों को उसी में तोलता है। आदमी के खुद के विचार अगर भ्रष्ट हैं, विचार गिरे हुए हैं, तो सामने वाले को कभी नहीं मानेगा कि वो शुद्ध हो सकता है। और जिसके विचार शुद्ध हैं, उसको यूं लगता है सारी दुनिया ही ठीक है। दुनिया ठीक हो ना हो, जिसके विचार शुद्ध हैं, सुमरण करता है, उसके अंदर एक असीम शांति आती है। और जो खुद शांत है, वो पूरे समाज, पूरे देश, पूरे वर्ल्ड के लिए एक नायाब तोहफा है।